हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरी एक नई वीडियो में। आज हम बनाने वाले हैं ये नेक डिज़ाइन। इसको हम ब्लाउज में बनाएंगे, आप चाहे तो इसको कुर्ती में बना सकते हो। इस गले को बनाने के लिए मैंने ब्लाउज़ का बैक पार्ट कट करके रखा है, जिसकी मैं आपको लंबाई दिखाती हूँ। मैंने इसकी लंबाई 14 इंच रखी है और जो इसकी मैंने चौड़ाई ली है वो मैंने 10.5 इंच पे लिया है। ऊपर से मैंने इसका शोल्डर 5.5 इंच पे एक निशान लगाया, क्योंकि हम डीप गला बनाने वाले हैं। और जो इसका आर्म हो रहा है वो भी मैंने 5.5 इंच पे एक निशान लगा के इसको कट कर लिया है। अब इसके बाद हम अपना नेक कट करेंगे। नेक कट करने के लिए मैंने जो गले की ऊपर से चौड़ाई ली है वो मैंने 2.5 इंच ली है, और गले की जो मेरी लंबाई है वो मैंने 8.5 इंच पे ली है। जितना मैंने 2.5 इंच ऊपर लिया था उतना ही मैंने 2.5 इंच नीचे पे एक निशान लगा के इसको सीधा कर दिया। और इसी तरह से जो नीचे वाला निशान है उसको भी हमने ऊपर की तरफ एक और सीधा निशान लगा दिया। इसके बाद हमने इसमें इस तरह से एक राउंड शेप देनी है। आपको 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से इसमें एक राउंड शेप देते हुए गले को बना लेना है। इसके बाद इस निशान से हमें अपने गले को कट कर लेना है। तो देखिए, गले को मैंने कट कर लिया है। मैंने मेन फैब्रिक और इनर वाले फैब्रिक को एक साथ कट कर लिया था, क्योंकि हमें इसमें एक साथ ही गला बनाना है। इसको बनाने के बाद मैंने अपने मेन फैब्रिक को ओपन किया है, उसके ऊपर मैंने जो हमारा इनर वाला फैब्रिक है उसको इस तरह से रखते हुए इस पर एक स्टिच मैंने इस पर लगा ली है। स्टिच लगाने के बाद इसके ऊपर हम एक और स्टिच लगाएंगे इसमें फिनिशिंग देने के लिए। मैंने इसमें अब छोटे छोटे टक्स लगा लिए हैं, इससे गोलाई हमारी परफेक्ट बनती है। इस तरह से मैंने फैब्रिक को ओपन किया है दोनों साइड से, और इस तरह से उस पर इसके ऊपर एक सिलाई लगाते हुए इसको कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए, हमारी ये सिलाई लग के रेडी हो गई है। इसके बाद हमें इसके ऊपर एक और सिलाई लगानी है। ये सिलाई मैं इसीलिए लगा रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें पाइपिंग देनी है। तो पाइपिंग देने के लिए इसके ऊपर एक सिलाई इस तरीके से लगाने से जो पाइपिंग की फिनिशिंग है वो हमारी ठीक आती है। मैं कपड़े को इस तरह से पकड़ते हुए सीधा करते हुए इस पर इस तरह से सिलाई लगाती जा रही हूँ। अपने कपड़े को ध्यान रखें, जो नीचे वाला और ऊपर वाला एक साथ आपको लेना है। तो देखिए, ये सिलाई हमने लगा ली है। मैंने ये एक उरेब पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई मैंने 1.5 इंच ली है। तो आपको इस तरह से पट्टी को उल्टा रखना है, और जो आपका फैब्रिक है बैक पार्ट वाला उसको आपको उल्टा रख के इस तरह से पट्टी के ऊपर, पट्टी में आपको 1/2 इंच साइड में छोड़ देना है, वो हमारे पाइपिंग में आ जाएगा अंदर के लिए कपड़ा। और आपको इस तरह से गोलाई देते हुए पट्टी को अटैच कर देना है। याद रखें, आपको पट्टी को खींचना नहीं है, नहीं आपको अपना गले को खींचना। अगर खींचोगे तो आपकी फिनिशिंग नहीं आएगी। तो इस तरह से मैं अपने गले को राउंड शेप देते हुए पट्टी की हेल्प से इस पर अटैच करती जा रही हूँ। देखिए, मैंने अपनी पट्टी को इस तरह से अटैच कर लिया है, और जो हमारी अब एक्स्ट्रा पट्टी है उसको मैं अपना कट करके अलग कर दूंगी। तो इस तरह से मैंने इसको कट कर दिया है। अब इस पट्टी में हमें छोटे छोटे टक्स लगाने हैं। टक्स लगाने के लिए मैंने ये छोटे छोटे टक्स लगा लिए। टक्स लगाने के बाद मैंने फैब्रिक को सीधा किया है। इसके बाद आपको पट्टी को इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करना और एक पाइपिंग देते हुए इसमें सिलाई लगानी है आपको। देखिए, मैंने अंदर पट्टी को किया है इस तरीके। आपको फिनिशिंग से करना है और इस पर ऊपर सिलाई लगानी है। आप चाहे तो मार्केट वाली भी पाइपिंग यूज़ कर सकते हो, थ्रेड वाली जो बनी हुई आती है, या आप ऐसे भी कपड़े की भी पाइपिंग बना सकते हो। मैं मोस्टली इस तरह की पाइपिंग ही यूज़ करती हूँ। देखिए, मैं पट्टी को अंदर की तरफ इस तरह से राउंड शेप देते हुए ऊपर की साइड एक सिलाई इस पर लगाती जा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी पाइपिंग को बना लिया है। पट्टी को अंदर करते हुए इस पर एक सिलाई इस तरह से लगा ली, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको मैंने कट कर दिया। इस तरह से हमारी पाइपिंग बनके रेडी हो गई। अब इसके ऊपर जो हमें डिज़ाइन डालना है उसके लिए मैंने ये 2 कलर के फैब्रिक लिए हैं रेक्टेंगल शेप में। इसको मैंने 2.5 इंची पर कट करके रख लिया है।
अब आपको करना क्या है, जो हमारा मेन फैब्रिक था उसको आपको ऊपर रखना है और जो हमने दूसरे कलर का फैब्रिक लिया है उसको हम नीचे की साइड रखेंगे। तो उसको रखने के लिए आपको इस तरह से दो ट्रायंगल शेप बनानी है और इनको इस तरह से एक ऊपर दूसरे के अटैच करके एक सिलाई इस पर लगा देनी है। इसी तरह से आपको अपने सारे ट्रायंगल्स को बना लेना है अपनी डिजाइन के लिए, जितना आपके फैब्रिक पर आए उतने ट्रायंगल्स को आपको बना लेना है। मैंने ये सारे अपने कंप्लीट करके इस तरह से बनाए हैं। देखिए मेरे ये सारे बनके कंप्लीट हो गए हैं, आपको भी इसी तरह से बनाने हैं। अब हम अपने इन ट्रायंगल्स को अपने फैब्रिक पर इस तरह से अटैच करेंगे। आपको जो कॉर्नर वाला पॉइंट है उसको अपनी पाइपिंग पे इस तरह से रखना है और एक ऊपर इस तरह से इस पर सिलाई लगा देनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इन ट्रायंगल्स को इस तरह से अटैच कर लिया है। इसके बाद मैंने ये फ्रिल बनाई है जिसको मैंने 4 इंच कट किया था और इसको डबल करके एक सिलाई लगा के इन पर फ्रिल बना ली। फ्रिल बनाने के बाद इसको मैंने जो हमारे बाहर की साइड है उस पर इस तरह से रखते हुए एक सिलाई को इस तरह से लगा दिया है। तरह से लगाते हुए इस पर सिलाई लगा ली। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए, आपको डिज़ाइन कैसा लगता है मेरा, मैं आपके अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन लेकर आऊँगी। तो मैंने इस तरह से इसको अटैच कर लिया। इसके बाद मैं इस पर एक लेस का यूज़ करूँगी। तो लेस को मैंने जो सेंटर में सिलाई लगाई थी इस पर फिनिशिंग देने के लिए, इसलिए मैं इस पर लेस लगा रही हूँ। आप चाहे तो कोई और कलर की इस पर पट्टी भी लगा सकते हो, तो उससे भी आपको अलग लुक दिखेगा। तो लेस से भी आपको एक और लुक दिख रहा है। तो देखिए इस तरह से मैंने इस पर लेस लगा ली है अपनी। लेस को इसी तरह से राउंड शेप देते हुए मैंने इस पर एक सिलाई लगाते हुए इसको अटैच कर दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा गला बनके रेडी हो गया है। आपको गला कैसा लगा, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।